माता की। देखिए बहुत देर से आपके बीच में बड़े भाई ने बहुत अच्छा संस्कृति से संबंधित और कुछ संवैधानिक बातें बताई कि ऐसे ऐसे देश का संविधान बने तो तब जाके कुछ बात बने, वरना चीजों में अभी भी परिवर्तन होना बहुत बाकी। और आदरणीय बड़े भाई सरपंच साहब ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, अभी बड़े भाई ने जिक्र किया कुछ महाभारत के जो चरित्र थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हिमालय में ये बता के अर्जुन को भी देह का नाश करना पड़ा, ये कटु सत्य है कि यहां पे जो आया है उसको जाना पड़ेगा जरूर। लेकिन ये जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति में ऐसी ऐसी बातें हैं कि उससे शिक्षा मिलती, इसलिए ये महान कहलाती। वरना बहुत से स्टेट ऐसे हैं उनमें सिर्फ गाना बजाना होता है, उसके अंदर कुछ नहीं। भाई इंसान को शुभ कर्म करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। किसी ने बुरा कराया उसको बुरा फल मिलता है और सत्कर्मों का अच्छा फल मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत दान किए, बहुत तप किए, किसी का बुरा नहीं करे अपनी जिंदगी में, लेकिन उनका जो अंत समय था वो बहुत कष्टदायक रहा। जैसे महाभारत के अंदर जब दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी थी, 11 अक्षरणी दल सेना कौरवों के पास, 7 अक्षरणी दल सेना पांडवों के पास, ये बताते युद्ध चलता है और अंत में धर्म की जय होती है, अधर्म की हार होती है। पांडव युद्ध को जीत जाते हैं, कौरव हार जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान युद्ध का समापन करके और द्वारका की तरफ चलते हैं। जैसे ही द्वारका के महलों में प्रवेश कराया, आरती का थाल लिए वहां पर रुक्मणी खड़ी, आरती कराया और आरती करने के बाद महाराज प्रवेश करने लगे, उस थाल को दासी के हाथ में थमा के नवली महाराज ऐसे नहीं प्रवेश करना के, और कैसे। रुक्मण बोली श्री कृष्ण से, महाभारत का हाल बता, 7 जीत की 11 हारी कैसे हुआ कमाल बता। हे महाराज मैंने सुना कि पांडव जीत गए, क्यों जीते, उनके पास तो 7 अक्षरणी दल सेना थी, यहां तक कि कौरवों के पास भी सम, द्रोणा, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महान धनुर्धर उनके पास, वो क्यों हारे। अब यहां थोड़ी सीख लेने की बात। श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी को समझाते हैं कि जहां पे जो आया है उसको जाना पड़ेगा। महाराज मैं पापिया की नहीं कहंदी, किसी ने साड़ी खींची, दुशासन ने जिसने जैसा कर्म कराया, मैं किसे की नहीं पूछती किसकी कैसी मौत हुई, लेकिन मैं सिर्फ उनको जानना चाहती हूं जिन्होंने धर्म के अलावा कुछ कराया ही नहीं, उनकी मौत कैसे हुई। अब श्री कृष्ण महाराज रुक्मणी को जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, क्या
वाले चलते हैं, तीर चलते हैं, लाशें गिरती हैं। ये नहीं कि चूल्हे में गुस्सा सरका दिया, रफा ला दिया ना, वीरा का काम नहीं है वहां पे। तेरी वीर की जात रकमन मर्दा की कहानी से बोला जमण मरण कर्म का फड़े या कृष्ण की वाणी से जात रुक्मण मर्दा की कहानी से जमन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी। ये हमारे लिए आदरणीय पप्पू जी खांडा खेड़ी निवासी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। हे महाराज, मेरी कुछ शंकाएं हैं, मेरे कुछ संशय, उनको मिटो। मैंने जैसे बताया अधर्मियों का जिक्र मैं नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ उनकी बता दो जिसने पुण धर्म करे और उनका कैसा विनाश हुआ। सर्वप्रथम जिक्रा करा भीष्म पितामह का, और सनातन धर्म में जो भाई भागवत को सुनते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, उनको ज्ञान होगा। भीष्म पितामह को अपनी 100 जन्म तक की याद थी कि उसने कोई पाप नहीं करा था। नवली महाराज, फिर आखिरी समय में ऐसा क्यों होया? वो सरसैया पर लटाया गया, रक्त उसके शरीर से झरझर कर तक पड़ता रहा। आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सिद्ध को ना किसी ने सुना। ऐसा क्या कारण रहा महाराज उनकी इतनी ज्यादा दुर्गति हुई? अब सर्वज्ञानी थे, अवतार थे, दर्द देन पन्ना खोल दिया, नुबला 100 जन्म की तो याद है, 101वां जन्म उठा कर देखो। भीष्म ने एक सांप को अध मरा करके और बाढ़ पर फेंक दिया। जितने जन तक, जितने टाइम तक वो सांप बाढ़ पर तड़पता रहा, काटे उसके अंदर चलते रहे, इतने टाइम तक सरसैया पर भीष्म लेटा रहा। आराम तो नू भी नहीं देख दे रहा, कीड़ी सा तड़ मकोड़ा सा केस होता है उसका देखना वहां का, और 100 जन्म बाद और जब जागे उसका बाहर उतरे। एक जगह और कर्म से गिरा, कहा कि बड़ी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सबसे पहले हाथ जोड़कर भीष्म के पास गई। इस सभा में आप ही ऐसे अक्षत्रिय हैं, हे दादाजी मेरी रक्षा करो। पांडवों की तरफ भी नहीं देखा। अक्षत्रिय होने के नाते बात मारने से काम नहीं चलता। जो धर्म की बात करता उसको धर्म पर चलना पड़ता है।
अगर वो धर्म पर वहां चलता उसकी लाज बचाता तो निश्चित रूप से ये पाप भी कट सकता था। लेकिन नक्षत्रिय होने के नाते उसने हथियार उठाना था और उसके विपरीत नीची नाड़ कर गया, पीठ रुमाली यहां कर्म से गिरा। क्या कहा पहले जोड़ के पांडवों की उस दुर्योधन ने घेरी। उन मारी बोल भतेरी, ये बोल गर्जना तो दूर रहा उन पीठ तलक ना फेरी। बोल गर्जना उन पीठ तलक ना फेरी। कर्म खा गया उस भीषण ने, क्या कर्म न फाहानी से। बलिंदर भाई साहब काफी नाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बलिंदर भाई का तहे दिल से धन्यवाद। गाम मचोरी होगी। चोरी होगी तड़के सारे गाम में चर्चा चालगी, वह पाड़ लाग गई। चोरी होगी किसने करी, क्यों करी भाई, भाई समाधान करो। रापड़ जागा नहीं तो फिर रोज होने लग जाएंगे भाई। आज जाबता करो। अर गाम के 5-10 शाने शाने मानस कट्ठे कर लिए। अरवे ने बोले बराबर आले गाम में एक बूझा काट से तम उस दौर चले जाओ, वो बूझा काट देगा फिर चोर का भेद लाग जाएगा। एक टम्पू कर दिया किराए पर, सारे बूढ़े बैठा दिए। वाह जी दूधिया साहब, जय हो दूधिया साहब, ये सारे दे दे फेरा होगा। हाँ एक कब दे दे मम्मी नू चौधरी हूं, बार बार मेरे किए दिखाए तो के सारा लग गए। एक कब कर करा दे रानन पूछती कर करा के दूर हो। अच्छा पानी पानी आले दे हड़े दो असली कौन दंदा। वे बूढ़े बूढ़े थे वे बैठा दिए शाने शाने मानस, वे भूजा कटवाण चले गई। भूजाला ने बोला क्यों कर आए सो, बोला जी गांव में चोरी होगी। उन्हें छड़काह करके जो इतला के मड़ी फड़फड़ी ही ली और फिर भूजा का डीका डबी सी करें। वो भूजाला ने बोला भाई सुन जाओ, माल भी गांव में है सर, चोर भी गांव में है सर, लकड़िया में ही है। ये बूढ़े बैठ के उल्टे आ गए, सारा गांव खड़ा। बोला क्या बताई भूजाले ने, बोले भाई गांव में माल सर, गांव में चोर से लकड़िया नहीं है। या टट्टू बुझा हुई भरे गांव में किसका हाथ पकड़ोगे, या के बुझा हुई। ये सुरसुर चक्र चाल गया, तकरार सी होगी गांव में। मंदिर पे बाबा रहे था, बाबा ने बोला रे गांव में क्या की तकरार से, नहीं बोले बाबा बुझा कटवाण गए थे और वो नहीं बोला, बोले गांव में माल से, गांव में चोर से, या को बुझा हुई किसका नाम ले भी नहीं। बाबा ने बोला मेरा भीतराली कोठड़ी में मेरी एक पिटारी धरी है, वह ठा ले जाओ। निबला फिर उसका के करा, निबला गांव के चौक में खोल दियो। उसमें कैसे निबला सांप, गांव के चौक में खोल दियो, सारी नगरी लोग लुगाई बड आ जाओ चौक में और बाज के एक एक करके उस सांप पर कूदो। बोला वो चोर को लड़ेगा। इस चोर ने बेरा लगा कि बेटी गया, बड़ी परीक्षा हुई गांव बेचारे, और गांव के चौक में छोड़ दिया। सारा गांव खड़िया
और सारा गांव बाजे और कूद जा। फिर चोर नहीं सोचे यार, जरूरी से तने पहले कूदना, मरे नहीं लेगा कोई ना कोई तो पीछा हो ले। इवो गांव कूदेगा चोर पाछे ना टें गया, गांव कूदेगा चोर पाछे ना टें गया। आखिर में दो रह गए, एक चोर एक और, चोर उसे एक और पाछे हो लिया। अर शरत या जो कूद जाओ परे न खड़ा हो जाओ, सारा गांव परे न खड़ा। वो एक और था बाज का, वो भी कूद गया। इवेकला चोर रह गया, मड़ा हाथ थूक सा सटक के चुगुर्दन लखा के, अरे एक बताओ बाज जा। फिर मुंह फेर के चल पड़ा, सारा गांव जाओ शकल है कूद। हाँ नहीं बोला, कूद दूंगा नहीं भाई, तू क्यों ना कूद देगा भाई, सारा गांव कूद लिया तू न्यारा है। नहीं बोला, जब तो नहीं कूदू क्या थे। निवला सारे गांव ने चंगरा रखा, मेरे तो लड़ाई लड़ो और बच कौन गया। बहुत बढ़िया बात। और महाभारत का युद्ध जब खत्म होया, वहीं से भाई ने जिक्र किया है एक छोटा सा, यहीं से जिक्र हम भी कर देते हैं। युद्ध होए पाछे फिर जिक्र चालिया ने बोला, इतनी लाशें गिरी, इतने आदमी मारे गए, एक अश्वमेघ यज्ञ किया गया सजनों पांडवों द्वारा युद्ध के बाद, और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया और घोड़े पर तांबे के अक्षरों से चुनौती लिखी है, पांडवों का घोड़ा है, जहां से भी घूमा या तो पांडवों की अधीनता स्वीकार कर लो और ना फिर युद्ध स्वीकार कर लो। और अर्जुन सेना लेके गांडीव लेके और उस घोड़े के पीछे पीछे चलिया हुआ, साथ में कृष्ण भगवान। युद्ध का छोड़ा असव सजा के रखो, पकड़ो इसने आके, चुनौती लिख के टांग दी, संग में रक्षक खोज रहे। और जित भी घोड़ा जा उड़े के राजा के पास, खबर जा कि पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा आया है। ये सब न ठाडे तो सब न डर लग गए, वो ये भेंट लियावे, अर्जुन ने भेंट दे, सारी सेना का जलपान करे, जी करे तो ठहर जाना फिर आग चल पड़े। जोड़ जोड़ धन धरन लाग गया, जो भेंट में आ जा। अर्जुन सोच लूट मचा ले, जो कुछ भी थ्या जा, राजा जो भी अकड़ जा, नक्शा मिनट में जड़ जा, राम जीते देश कई, संग में रक्षक फौज रही, चुनौती लिख कर टांग दे। जो भी आओ भेंट लियाओ, अर्जुन ठाओ रथ में बगा ले और आगे चाल पड़े। फिर घमंड हो गया अर्जुन ने, बोला कृष्ण महाराज से के भगवान मनीषा लाग गए, जो जो थे नी बहादुर योद्धा थे, वे तो मन काट कूट दिए मैदान में, इनको बचा कौन है। आज जोड़ कर अर्जुन बोलिया है, कृष्ण मुरारी कुरुक्षेत्र के मैदान में मन मारे बलकारी, आज त नारी युद्ध राज चलावन लागी, चौधर ना मर्दा के थ्यागी, या मन देखी रीत नई, चुनौती लिख कर टांग दे के संग में रक्षक हो। अर्जुन बोलिया मुझ जैसा ना को भगत तुम्हारा, नजर फला के देख लिए वो बसता जग सारा, मारा से बालकपन का मेल, रहे सा हम तुम दोनों गेल, तेरे सत्संग में उम्र गई, चुनौती लिख कर टांग दे के संग में रक्षक। निवला ना तो मेरे देखो ठाडा रह रहा इब, और ना मेरे कैसा को भगत तेरा, तू तो कितो नजर फला ले। फिर कृष्ण भगवान ने विचार किया, श्री कृष्ण सोच अर्जुन का जाए घमंड तोड़ा, श्याम लाल भगवान भगत का न्यारा हो जोड़ा, घोड़ा रत्तनपुर में आ गया, तमर धवज सामने पा गया, असव की पकड़ लगाम ले, चुनौती लख कर टांग दे के संग में रक्षक हो। रत्तनपुर की तरफ घोड़ा मोड़ दिया कृष्ण भगवान ने, वहां राजा मोर धवज का राज था, जिसका बेटा था तमर धवज, छोटी सी उम्र उसको ज्ञान नहीं, उसने घोड़ा पकड़ लिया। अर्जुन ने बोला, रे बेटा कौन? निवला जी तामर ध्वज मेरा नाम। निवला यो घोड़ा क्यों पकड़ लिया? निवला मना अच्छा लग गया, नहीं पकड़ दिया। निवला रे खेल नहीं मेलनी माता ना सा हड फोड़ खसरा से, तने बेरा भी सो क्या का घोड़ा से। निवला घोड़ा क्या का हो था? घोड़ा मेरा पसंद आ गया, मैंने पकड़ लिया। निवला रे पांडवों का घोड़ा है या अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है? हाँ निवला पांडवों का होगा, इस तक के फर्क लग गए है। निवला जो इसने पकड़ेगा उसने मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। और लखा निवला तू कौन है?
अर्जुन ने बोला तू मन नहीं जानता, ने बोला तू के है, तू हेमा मालिनी है, कौन जान है तने, तू के है। निबला रे मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ जिसने अपने तीरों के दम पर कुरुक्षेत्र को फतेह किया है। फिर खूब आशा छोरा निबला तू सो अर्जुन, निबले हाँ निबला। फिर बोर क्या की महाराज है के जीत लिया तो ना, बोला तीरा के दम पर मन सब गम जीत लिया, के जीत लिया कुण बे गए लड़े जो घरा घरा कि बार छाती छाती अड़ा के लड़ोगे ना, जब मर्दपणे का बेरा लगेगा घरा का तो कुत्ता भी शेर हो है। एक बात में लड़का ताम्रध्वज अर्जुन को चुनौती देता है, क्या कहता है? एर अपने मुख से कर आप बधाई, वीर नहीं सर अपने मुख से आप बधाई, वो नर रण धीर नहीं सर आपसे पहले अर्जुन तुझको भेटा वीर नहीं सर अपने मुख से आप बधाई, वो नर रण धीर नहीं सर आपसे पहले अर्जुन तुझको भेटा वीर नहीं। अपने मुख से कर आप बड़ाई, वो नर रण धीर नहीं है, और आज से पहले अर्जुन तुझको को फेंकता वीर नहीं है। बोला ओए अर्जुन होगा तू कौन सा? बोला जो राजा विराट को ऊंट रचा कर गाल रचा कर नाचा करता वो होगा तू, ई जड़ा बन कर रहा था वो होगा तू, के कहे खड़ी रही उर्वशी जोड़ी नहीं भरी, विराट भूप के नचा गया तू साड़ी बांध हरी, कान बोच के सुनी किचक की खोटी और खरी, कान बोच के द्रौपदी फंद के बीच गरी, द्रौपदी फंद के बीच गरी, जिके सर पे चीर नहीं से आज से पहले अर्जुन तुझको भेटा वीर, तेरे अपने मुख से तेरे आप बढ़ाई वो नर रण धीर नहीं से, तेरे आज से पहले अर्जुन तुझको भेटा वीर नहीं। कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे एमजी रिकॉर्ड्स करनाल, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 2-4 दिन में कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर होगा, जो साथी संस्कृति प्रेमी हैं वो देख सकते हैं। और हरिओम हरिओम रागनी चैनल 2-4 दिन में चैनल पर भी कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर होगा, जो संस्कृति प्रेमी हैं वो देख सकते हैं। बार बार धन्यवाद है जो बीच में किसका है रहा है, बार बार धन्यवाद है। हरियाणवी दर्पण ये भी 2-4 दिन में इस चैनल पर कार्यक्रम होगा, जो संस्कृति प्रेमी देख सकते हैं। श्रीमान जी 100 रुपए से मान सम्मान सजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद।
धर्म की बात से संतुष्ट होगी। अब जेकर आया करण का नुबली महाराज, जो सवेरे उठ के सवामण सोना दान कराया करता, देखना अलग अलग उपाधियां हैं, भीम को गदाधारी, अर्जुन को धनुर्धर और युधिष्ठिर को धर्म युधिष्ठिर, अलग अलग उपाधियां हैं महाभारत के अंदर, लेकिन दान के मामले में कर्ण जैसा दानी नहीं है। चिड़िया की एक चोंच भरे तो सागर का कुछ घटता ना, जिसकी नीत दान में लग गए वो पाछे न हटता ना, जीवन की कदगाडी रुक जा इसका बेरा पटता ना, दिया दान ताग आवे और किसे का बढ़ता ना। कुंती ने एक दानी जन्या था, सुना हो कर्ण बेचारा, धन मिल जाता दान करण से व्रत से प्रीतम प्यारा। हे महाराज वो कहां कर्म से गिरा, नुबला वो भी कर्म से गिरा एक जगह, और मैंने तो यहां तक सुनी है कि कर्ण के साथ धोखा हुआ है, उसको धोखे से मारा गया है। बोला सबसे पहला धोखा तो युद्ध के मैदान में अर्जुन के लड़के अभिमन्यु के साथ हुआ था। चक्रव्यूह के छह द्वारों को पार करके जब सातवें में आया तो चौगर्दे द पापिया ने घेर लिया और पीछे से आके दुशासन ने पहली तलवार मारी। फिर जयद्रथ बारी बारी से लड़के का शरीर छन्नी करते रहे। जब लड़के को पता चला आंखों आ गया अंधियारा छा गया, नु सोची भाई आखिरी टाइम है, वीर गति को प्राप्त होने वाला था, रक्त सनाव जारी था, चौगर्द लखाया कितने भी साप आत्मा नहीं दिखी। फिर बीच में करण नजर आ गया, सबसे पहले जाकर हाथ जोड़ कर नुका लगा, हे महाराज हे दानवीर कर्ण, अंतिम समय में मुर्दे की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे को थोड़ा पानी पिला दो। पानी पिलाने तैयार होया करण, नूंत दुर्योधन ने फेरा कर दी, वहां अक्षत्रिय धर्म से गिरा, इंसानियत से गिरा। जितना पानी पिलाने से मना कराया वो पानी दलदल बनया। फिर मेरे कहने से अर्जुन ने तीर मारे, कहां का कर्म और कहां जाकर भुगतना पड़ता है, क्या कहा। बहुत अच्छे संस्कृति के धरोहर के रूप में सजाने वाले, एक अच्छे तरीके से पेश करने वाले एमजी रिकॉर्ड्स,
यूट्यूब चैनल की तरफ से बड़े भाई 100 रुपये से हौसला अफजाई करते हैं। हम आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। अमरदीप युवा साथी कैलराम से 51 रुपये से मान सम्मान करता है, भाई का तहे दिल से धन्यवाद है। लड़का तमर ध्वज निवला कौन कौन मारा था तू मने बता। निवला रठारा सोनी दल कट गए। निवला था कौन नु मैं? एक तो तम न थरा दादा मारा है, एक तम न थरा गुरुजी मारा है, एक तम न अपने चाचा ताऊ के भाई मारे हैं, और एक बात का तो बोले युद्ध पछे वेद खुलिया है। एक तम न थरा ईसा भाई मारा से थरी मां न जाम्या था, थरे बापू का ना था यो बेत। हाँ इव तो गए हो रे सर, इव तो रिश्ते और डाल के हो गए। इव तो बंगाले पैदा हूँ सीधे बंगाले, क्यों रिश्ते वाला तो आंता ही नहीं है। इव तो पीछे हम बहु ले आऊँ रेल में बैठा बैठा तो बहुत जब ले एक हफ्ते के बंगाल जा रहे हैं, बहु ले आऊंगे बोले पीछे ले जा रही हूँ। मैं इव तो ले आऊ फिर बात ही आऊंगे ना लुंगी बांध बांध रेल में जब बेरा लग गया बड़कन ब्याह हो गए। अरविंद जो कहेंगे अरे हाँ खांड में कसा खांड कसारना चाहिए, मच्छी चोर चाहिएगा। अरविंद जो कहेंगे पैसे तो है नहीं, बात में देना दान लवा लो 2 किल्ला में हो जाएगा काम। फिर उनका बंगाली पैदा हुए हैं, उनका बंगाली कहेंगे ओ एक बहू लिया बंगाल ने, अर ले आया मुश अर देख चाले की बात नहीं सो मानस जमा मर रहे नहीं से तो पीछे हम बहू लिया उसे उनका जी लेकड़ना नहीं हो रहा है। जरा पिए गाल का न्यू कर दिया और काम फेर करेंगे पर हम बहु लिया हो वो जमा मर रहे नहीं है। ओ ले ले तो आया ये 6 महीने तो ना उसने उसकी भाषा व ना उसने उसकी समझ में वो ठीक सी तान बाजी गई। फिर वह समझ में भी आने लगी सहज सहज वो वापस में घर में रोला भी होने लग गया। एक दिन तंग पारिया करड़ा मंदिर कैट लकड़ गया और उड़ा बैठे हुए दम मारो वे इनका कसुत्ता भाईचारा हो से तमा खुआ लेंगा से दोष्य को उसका हूँ आँख तांख मिलते नहीं बता देगा शटअप का है फिर नहीं के मैं कहा उसे। और वे तो इतना प्रेम हो से दम मार के चलम भी अगले इन दोनों हाथा दिया ना मान दे नहीं देंगे वो अगले देगा वो अगले देगा। और वह उड़े बूढ़ा मुँह करके बैठ गया। और वे उस तो नहीं बोले रहे अरे बोलू क्यों कर मुंडा मुंह बना रहा है। निबला यार जान दो ना कोई बात ना है फिर मारेंगे दो दो दम। निबला अरे बात तो बता आखिर ना तेरे भाई सा यार तेरा दुख बटवाऊंगे। निबला जान दो निबला बता दे फिर मारी दो दो गुठ। निबला यार बता के बात से क्यों कर मुंडा मुंह से। निबला यार बात के है बहु बेचू सू ना दो दो दम और मारे और मार के दम और फिर एक ना धुमा छोड़ता है। निबला कह की देगा निबला भाई देख मन ने ली थी वा 60 में और भाई 3,500 लग गया भाड़ा तो न्यू ला ले वा 63 तो ये 500-400 हुआ खा भी गई होगी उनकी कोई गिनती नहीं है। तो वह 63 में पड़ी थी उस पर भाई 10,000 मुनाफा लूंगा मैंने 6 महीने चरा दी थी मैंने मांग भी के लिया है। तो मैंने मारेंगे दम दम मार के एक निवला ठीक ला ले। निवला ठीक लाने ना मैंने मांग भी के लिया मन तो 10,000 मुनाफा मांगिया है। निवला नगद के गाक ले रहे हैं ठीक ला ले लाठी लाने जानते नहीं उसकी न्यू नगद ले। निवला भाई 10,000 मुनाफा लूंगा भाई मिस्त गाच में मन लूंगा नहीं अगला असली था मार के दम। निवला रहे छोड़ रोले ना बोलू 10-20,000 ऊपर दूंगा पर मोड़ बांध के थारा आऊंगा। दवा
अपने को धोखा दे के मारा झूठ वाका के सम मारण खतर सामने करया खड़ा शखंडी लाके कते पूत कया ना जान मांगली रसरम नहीं थारी माँ के पूत कया जान मांगली रसरम नहीं थारी माँ के तम युद्ध से आगे जान बचा के युद्ध से आगे जान बचा के तला वक्त अखीर नहीं से हमें टी की तरफ से और मान सम्मान किया गया सिपाही ने वो काफी नाम पहले शोर पे शोर मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद 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 तू भी मुनाफा मुनाफा तो दे जा भाई शिल्लू दू दिया हाँ तू तो ऊपर है कच्चा कच्चा मारा तू तो सारे तो ऊपर है बलवंत जी ढूंढवा से 100 रुपए से मान सम्मान उसका जारी करते हैं बार बार धन्यवाद 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 न बोला बा कुछ जिंदगी नहीं जब ब्याह नहीं होया वे भाई वाली बात नहीं बोला क्या ना खाया नून बंगाले पैदा हो से यूपी द पर लेकर ना चले जाओ और लालू प्रसाद यादव हो से वो न बोला फिर चाल जा काम बोला चाल जा कितने एक में न बोला आड़ा चीज परचून में मिल जाए है 50,000 रुपया जुगाड़ कर ले तेने वो देवा दूंगा न बोला बा 50 तक हो ना बोले और बोले एक खोल कर ले बोला के 30 पल्ला दे दूंगा 20 तेरे पाछे दे दूंगा बोला कश्ता वाइज काम कर ले बोला हाँ ठीक चले नो चल जाएगी उन्हें 30,000 लिए इब जिसी 30,000 के लिए भाई का था 63 का 6 महीने का डिगी वह 30 वाली रात न कूणा में गांडगी कौन सी में टूम धरी से कौन सी में के दरिया से और तड़की होंदे पानी पर दरभंगा एक्सप्रेस तो पैर गई वे दुनसी आप छेगड़े थे उन दिखा भाई चांदना होया था इली में लट्टू चसन लग गया था मानस का न बोला रे फलाने बोला हाँ बोला बालक ना देखते भाई न बोला बा कष्ट हुई थी बैंक काले ठा ले गए तीसरी कली के अंदर न बोला मेरा नाम वैसे आता है ऊपर काला भीतर काला काले कर्म कमावगा कृष्ण को दिखे आग्रह तो उस तबड़ कर पाओगा मैं रेक की सुनता हूँ अर्जुन कहो कौरव कहो पांडव कहो धृतराष्ट्र के भी मेरे नाम का दुख और कई छड़िया भी कह दे लेकिन परमात्मा कभी छड़िया नहीं हो सकता भूत सपात्र एक बतेरा चाहिए 20 कुजाम नहीं दुनिया भर की लावे बराई और दूसरा काम नहीं सपूत होना एक का बतेरा हो जाए और कपूत हो गए 100 पैदा हो गए एक भी काम का नहीं एक मानसी साधा पूरे युद्ध के अंदर बारी बारी से उसको समझाया लेकिन वो मान्या नहीं मेरा तो खाम खा नाम है सबसे ज्यादा दुख इस महाभारत के युद्ध में ना को पांडवों को होया ना किसी को ऐसे होया किसी का पति गया किसी का बेटा एक औरत तो ऐसी है जिसके 100 गए सबसे ज्यादा दुख क्या कहा
कारण रीत थी जिसने कजा खान की खतरी घड़ी घड़ी गण रीत थी आपस के वैर भावना गट्टा ढाल तड़ रीत थी वकंदारी अनपुति होगी जो गधा पूत जन रीत थी अशुभ कर्मों से नष्ट हुए अशुभ कर्मों से नष्ट हुए इब लग नहीं जानी से सामन मरे कर्म का फड़े घोड़ा चाल पड़े अर्जुन निवला रे डटे निवला चिल्ला मत अरमानी को हूं तो उल्टा चलिया जा तेरे बिना हूं थरे कुण पे दो रवि के मना हवे भी तेरे पे उछड़ रही के का है ओ ए बन समझे मूठ जान का बन समझे मूठ जान का कर पथे से अस्तनापुर का रहेगा कौन रूखाला तेरे बना धर्म युधिष्ठिर राज करे किस डाला मेरे कहे पे युद्ध करने का बिल्कुल कर दे टाला मेरे कहे पे युद्ध करने का बिल्कुल कर दे टाला मुझसे जीते युद्ध का पाला मुझसे जीते युद्ध का पाला किसी कोई तदबीर नहीं आज से पहले अर्जुन तुझको भेटा भी नहीं मेरा अपने मुख से कर आप बढ़ाई वो नरनीर नहीं मेरे आज से पहले अर्जुन तुझको भेटा भी नहीं लिख दे पिया का नाम सखी लिख दे पिया का नाम सखी ओ लिख दे पिया का नाम ओ राधा के अंगे पे लिख दे ओ लिख दे नाम इशाम ओ लिख दे पिया का नाम सखी परशुराम कणव है जी परशुराम कणव प्योता नहीं मने कुछ और आ जाओ एक बार आ जाओ नाम तो बताओ भाई डटियो एक बस हाँ जी परशुराम कणव प्योता कणव गोत्र है आपका शासन क्या है आपका शासन का नहीं पता है देखिए मरा गोत छोटा है मेरा भी कणव गोत्र है मुनि थोड़े मानस मैंने बहुत बहुत धन्यवाद 100 रुपए से मान सम्मान किया फिर तरह शासन भी पास हो रिया पाओगा घर बूझिए जागत नहीं दे रहा देखो कणव गोत्र का शासन पास हो रिया पाओगा पूछिए जागत बार बार धन्यवाद धन्यवाद एक गुरु तो समान शिक्षा देता है विद्यालय के अंदर मैंने यहां तक सुना है कि गुरु के साथ भी छल हुआ है उसने के गलत कर्म करा दोनों को समान शिक्षा दे दी
गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र आया, सजनों उसमें भी खोट बता दिया। न बोला ये तो युद्ध की बात है, लेकिन युद्ध से पहले एक जंगल के अंदर गुरु द्रोणाचार्य भ्रमण कर रहे थे। क्या देखा, एक वीर ने एक पशु के मुंह को इस तरह से बीन दिया। सोची भाई यू काम तो अर्जुन पर भी ना हो। उस वीर का नाम पूछा कि आपका क्या नाम है। महाराज मेरा नाम एकलव्य है। ऐसी महान शिक्षा दीक्षा आपने किससे ग्रहण की है? नतमस्तक होकर एकलव्य द्रोणाचार्य के पैरों में गिर जाता है। हे महाराज मेरे गुरुजी आप हो, कि मैंने तो आपको शिक्षा नहीं दी। महाराज हम धन से दरिद्र थे और जाति पाति का भी बहुत जोर। दूर से आप कौरव पांडवों के बच्चों को शिक्षा देते रहे, मैं दूर से ग्रहण करता रहा, मैं घर आकर उसका अभ्यास करता, मैं पारंगत हो गया। कदे किसी का बहम हो अगर बड्डा गुरु बनाए तो चेला पैर जागा ना, सिर्फ अभ्यास है। नीरज चोपड़ा के गुरु ने को खेल ने भी जाना था, तीरंदाजी खेल छोरे का मेडल आ गया, भी सारा देश ठाई ठाई आंडा का वाले ने। तो सारा सौदा अभ्यास का है। न बोली कर्म से कहां से गिरा। न बोला वे फिर गुरु दादा गुरु दक्षिणा देनी हो, कि महाराज मेरा सौभाग्य है। मन में पाप आ गया कद अर्जुन तो बढ़ गया। पाप के वश होके मोह के वश होके और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। इतिहास में आज भी लालची के रूप में उसको देखा जाता है, वरना कोई कमी नहीं थी। क्या एक सच्चा ब्राह्मण सच्चा क्षत्रिय उसके क्या नियम होते हैं। परशुराम कणव बड़े भाई परम श्रद्धेय परम सम्माननीय सौर पिशो सला बजाई करते हैं। भाई साहब का धन्यवाद है और भाई देविंदर काफी नाम पहले सौर पिशे और साथी मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद देविंदर भाई और मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है। और परशुराम कणव ये भी दो ऋषिया ने घोल रहा है, तो
हाँ परशुराम भी माए कणव भी माए दोन घोल रहा है वो मासा जी का आरता नहीं पाले राम जी जब मारे काम में एक महाराज जी आ गया मैं निवला महाराज जी आदेश निवला आदेश बच्चा मैं बोला महाराज जी के नाम से निवला बैंगनपुरी निवला वहां महाराज साग का साग पूरी की पूरी दोनों काम हो गए क्या समय तन ढकने खातिर छावे चादर तोड़ी अंत समय पछताना होगा करके खाली जोड़ी श्यामलाल क्यों फंसा भरम में जिंदगी है अनमोली श्यामलाल क्यों फंसा भरम में जिंदगी है अनमोली आंगा करके भर रहा कोड़ी आंगा करके भर रहा कोड़ी तेरा अमर शरीर नहीं सर आप चपले और तुझे तुझे को भेटा भी नहीं बड़े अपने बुकरे तेरे आप डाई वो नरंदी नहीं सर आप चपले और तुझे तुझे को भेटा भी नहीं शर्मा जी मान सम्मान करते हैं श्रीमान जी ने मान सम्मान किया धन्यवाद और ये सरपंच साहब बहुत बढ़िया आपको भजन भी सुनाया और परशुराम कणव जी बहुत बढ़िया कलाकार भी हैं जैसा सरपंच साहब ने बताया बार बार धन्यवाद।